अभी टाइम हुआ 9 बजे के आसपास, हम लोग जल्दी उठे थे 7:30 बजे। प्रेसअप करते करते बात करते करते टाइम हो गया। अभी देखा ब्रेकफास्ट था ये, यहाँ का मॉर्निंग का या ब्रेकफास्ट होता है हैवी रहता है, मतलब खाना खाने से भी ज़्यादा बड़ा ब्रेकफास्ट रहता है। ये हमारे गबरू भाई का घर है, इनका मम्मी है। सामान सारा सेट हो गया, अब यहाँ सब लोग निकल गए। गाड़ी मस्त है, पार्किंग में खड़ी है, रात को यहाँ पे लगाई थी, सब रेडी हो गया। इसको बहुत सारा खाना खिलाया, इसका पेट देखो एकदम बाहर आ गया। अभी यहाँ से चलेंगे हम लोग बगदाना के लिए, बगदाना का रूट डालेंगे और जिधर आ जाएंगे मंदिर की तरफ, और उधर का रास्ता भी पॉसिबल जितना रहेगा मैं दिखाऊंगा। ये इधर अपना दोस्त है, घर पे इधर ही रहता है, घूमते रहता है। हेलो हेलो, ये गया। यहाँ से निकल गए हम लोग अभी। हाँ, ये सामने मस्त मंदिर है, इधर गेट है, इधर बहुत सारे रोड का भी काम चल रहा है, काफ़ी टाइम से उतना काम चल रहा है। रात में हम लोग जब आए थे रोड में तो रिकॉर्ड करने नहीं मिला, बहुत अंधेरा था और इस तरह का रोड था, पूरा खराब खराब रोड था। ये नदी का रहेगा, रिवर क्रॉसिंग है, इसके लिए शायद यहाँ पुल था पहले तो पूरा खराब हो गया, ऊपर इस नया पुल बन रहा है। 1 घंटा 10 मिनट है, 57 किलोमीटर अभी ड्राइव करना है, और हम लोग जा रहे हैं बगदाना वापस इधर। रोड बहुत ख़राब है भाई, रोड बहुत ख़राब है। यहाँ पे रास्ते में एक डुंगर करके जगह आती है जहाँ पे कैंडी बहुत फेमस है इसकी, लालच आएगा थोड़ा देख के, बट बहुत मज़ा आएगा खाने का, हम तो खाएंगे भाई। ये डुंगर है, जो गांव डुंगर है वहाँ, यहाँ पे कैंडी मिलती है। हम लोग इस तरफ से, यहाँ से मेरे को लगता है 10 मिनट हम लोग को आने में लगा, 10 मिनट में आगे एक राइट साइड में बोर्ड है डुंगर, ये डुंगर गाँव है, यहाँ पे मुस्कान कैंडी। लास्ट टाइम हम लोग आए थे मिसवा के साथ, तो मिसवा ने यहाँ पे बैठ के कैंडी खाई थी, ये लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कैंडी खाई थी इसके साथ। यही था ना, ये जो गांव है इधर डूंगर की कैंडी सब फेमस है, यहाँ पे जितने भी लोग आते थे खाते हैं। तो हमने ये सोच के रखा था जब यहाँ से निकलेंगे पहले कैंडी खाएंगे फिर आगे चलेंगे, तो खाते वाते कुछ मजा करते हैं। 20 रुपीज़ का है, कैमरे में इतना पता नहीं चलेगा बट जब मैं खाऊंगा जो टेस्ट आएगा ना। और ट्रैवलिंग में क्या होता है, जहाँ से निकलते कोई डेस्टिनेशन के लिए वो फिक्स नहीं होता। अभी जहाँ पे हम लोग कैंडी खा रहे थे उसने बोला कि यहाँ पे ऑन द वे बगुड़ा करके आएगा, बगुड़ा मोगल माँ का मंदिर है, बीच में जरूर बोलेगा था, तो लोकेशन डाला हुआ है। 1 घंटा 22 मिनट 51 किलोमीटर है डूंगर से होता है, तो हम लोग पहले उधर जाते हैं, जाते हैं उधर भी दर्शन कर लेते हैं, जहाँ जहाँ मंदिर भी जाते हैं बाकी सारे हम लोग गिन गिन के रखते हैं। जब भी इस तरह से मौका मिलता है हम लोग ऑन द वे दर्शन कर लेते हैं। पर आज संडे हो गया, क्या हुआ लवकर जा तुला घर ही हो गया था, पूरा लाइव फोन करते थे पार्टी ला रहे पापा कभी ना रख घर ही कभी ना रख, लोगों को समझता नहीं ना। स्लोली स्लोली रोड इतना खराब आया, देखो यहाँ पे ऐसा पानी वानी है रोड पे, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, काफी टाइम से तो वेट कर रहा है, कितना साल लगेगा रोड बनने। तो महोबा के आसपास पहुंचे अभी, ये दूध का गाड़ी है, यहाँ का सबसे ज़्यादा कांदा बंदा होता है, सफ़ेद कांदा होता है, लाल कांदा यहाँ पे होता है, और बहुत सारे सीमेंट के ब्लॉक वगैरह बनते हैं, जैसे ईंटें बनती हैं, ऐसे ब्लॉक बनता है, जो गुजरात आओगे पता चलेगा मावा क्या चीज़ है, दिन में एक आदमी 10-15 मावा खा जाएगा। गिर गया, सामने दिख रहा है ये कांदे की मंडी है, मंडी बोलते हैं, ऐसा यार्ड होता है, मार्केट यार्ड लगता है बड़ा सा, यहाँ पे बहुत सारे ट्रक खड़े हैं। गाड़ी पूरा खाली है, गाड़ी में ज़्यादा लोग नहीं है, देखो हम लोग 3 लोग ही है, गाड़ी में बहुत स्पेस है, इतना सामान नहीं है, हर बार जितना सामान होता है लगेज होता है इतना नहीं है। यहाँ से एक रास्ते में लेफ्ट टर्न दिखाया, लेफ्ट टर्न भागे आगे से राइट टर्न है, ये कौन सा SBI बैंक है, यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न का गुंदेड़ा, ये लोकल विलेज का नाम है, ये दिखा है जय मांगल धाम, यहाँ पे बोर्ड दिखा राइट साइड है बगुड़ा 4 किलोमीटर है, वहाँ से 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर, हाँ नेक्स्ट स्टेशन जो है बगदाना भी 15 किलोमीटर है। तो ये लोकल लाइव है, यहाँ का देखो यहाँ पे शेरवेर नहीं आता क्या, काय करता पूरी कड़े, हाँ काय करता तुम, यहाँ पे रोड बन रहा है भाई, पूरा रास्ता ऐसे ही है। अभी मेरे को नहीं लगता अच्छा रोड आएगा, ये लोकल एकदम रोड से कट है गया, नीचे उतर गया, ज़्यादातर लोग खेती वेती में जो काम करते हैं सब चल के जाते हैं, खेत को पूरा अलग से बाहर से मट्टी ला के बना ला रखता है, सर्वे दिन करना होना सब जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो ये पानी का स्टोरेज है और जहाँ पे जितनी मट्टी निकाली है सब मट्टी निकाल के लोग खेत में डालते हैं, उसके बाद खेत बनता है, यहाँ के नॉर्मल जो मट्टी रहती है उसमें इतना कुछ होता नहीं है, तो यहाँ से मट्टी निकाल के गए। और ये सामने जितने भी दिख रहे हैं एनिमल, ये सारा जंगली गाय बोलते हैं उसमें, नीली गाय है, जो आपको डिस्कवरी चैनल पर आपने देखा रहेगा, बहुत सारे ऐसा ग्रुप में भागते हुए वो वाले, वो पार्किंग ये साइड पे है।
ये एक बड़ा पार्किंग है, ये जो भगवा मंदिर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे आए। अब यहाँ पे बस छाव ढूंढते हैं और गाड़ी लगाते हैं। बहुत बड़ा पार्किंग है, बीच में डाल के खड़ा करते हैं। इधर का तो हाँ मजा आएगा। पार्किंग में लेफ्ट साइड में टॉयलेट है। मंदिर के आसपास पूजा वूजा शॉप बना हुआ है, फोटो पूजा का सामान लेना है। यहाँ पे शूज के लिए स्टैंड है इधर लेफ्ट साइड में। यहाँ मंदिर के अंदर परमिशन नहीं है, कोई कोई धार्मिक स्थल पर होता है ऐसा, इस तरह का बनेगा था। यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारी स्पेस है, यहाँ पे अगर फैमिली साथ आ रहे हो तो बैठने के लिए बहुत सारा। और इधर लेफ्ट साइड में भोजनशाला है, खाना वाना खा सकते हो। झूला बच्चों के लिए लगा हुआ, अगर छोटे बच्चे उसके लिए झूला वूला भी आपको मिलेगा। खेलने के काफ़ी सारी स्पेस है। अंदर पॉसिबल नहीं इसके, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैंने अंदर बात किया बट कुछ ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ तक ही रिकॉर्ड करूँगा। और यहाँ से बगदाना मेरे को लगता है 10 किलोमीटर कुछ है, तो वहाँ से आप अंदर से आओगे तो आगे जाके आपको लेफ्ट साइड में एक और एक मंदिर है। यहाँ पे राधा कृष्ण राम लक्ष्मण जानकी और बहुत सारी माता जी का मंदिर है, यहाँ पे भी दर्शन करके जाना। और पीछे में भी हनुमान जी का मंदिर है, तो एक इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पे चाय की प्रसादी मिलती है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बच्चों की मन्नत होती पूरी होती है उनको, यहाँ पे शायद फोटो लगा दे रहे हैं ऐसा कुछ है, बहुत सारी फोटो पर है। ये चाय का प्रसाद है, ले लेते हैं, इसके बाद बाहर निकलेंगे। पार्किंग से हम लोग निकले हैं, यहाँ पे सामने ऊपर देखो डोंगर पे एक छोटा सा, उधर भी मंदिर है, बहुत लोग चल के आ रहे हैं। तो जितने भी लोग रास्ते में आ रहे थे हमने सबको पूछा अगर आपको बैठना है तो, नहीं चल के जा रहे हैं। पानी वाने के लिए पूछा कि बहुत गर्म है, इसको पानी खत्म होगा तो हम लोग दे सकते हैं पानी वाने। तो हम लोग यहाँ से आए थे, पीछे से आए थे और निकलना हम लोग आगे की तरफ, यहाँ से बगदान आ जाएंगे। ऐसे रूट में जहाँ जहाँ मंदिर मिलते हैं हम लोग एक एक स्टॉप बढ़ते जाते हैं, किसी को आने का है तो चलो। हाँ तुम्हें आओ या तो हमने बांधो नहीं गई, तो ये लोग भी दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट टर्न है, बगदाना लिखा है। मैं यहाँ से बहुत सारी गाड़ी भी आ रही है, देखो गाड़ी आती फुल पैक हो गई है, जगह नहीं है थोड़ा सा भी, आटी लोग उसको भी मंदिर जाने का है। यहाँ से बगदाना लेफ्ट साइड में, तो मंदिर से थोड़ा आगे आओगे तो आपको यहाँ पे पार्किंग मिलेगा। किस तरफ से आ रहे हो पता नहीं, दो रास्ते आने के लिए, बट पार्किंग का जो मेन गेट है इधर है और इधर है मंदिर। ये नया वाला मंदिर जो बना वो पीछे दिख रहा है, उसका भी ऑलरेडी मेरे चैनल यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है, आप जाओ एलसी ट्रावल्स पे वीडियो देखो। अभी आफ्टरनून का शायद आरती चल रहा है। ये इधर पार्किंग एरिया है सारा, इधर भी दिख रहा है सारा पार्किंग एरिया, और पार्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। बट अभी कुछ फंक्शन होता है या फिर ऐसा कुछ तिथि विथि होता है जिसको बोलते हैं वो रहता है, वो टाइम बहुत सारा यहाँ पे क्राउड होता है तो ये पूरा पार्किंग फुल हो जाता है। ये वाला नया मंदिर है, नीचे जो है बाबा की प्रतिमा और ये ऊपर की तरफ जो राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है, और जो मेन मंदिर यहाँ का होता है गांधी मंदिर वो नीचे की तरफ है। इधर मेन मंदिर है और ये वाला नया मंदिर मैं आपको दिखा वहाँ पे, और इधर पीछे आने के बाद जान मंदिर पीछे की तरफ यहाँ पर झाड़ है, इसके नीचे बाबा बैठे थे, अरे बैठे बहुत सारे वो सब उल्टे लटक रहे हैं। हाँ एक तो देख भी रहा है, ऐसा करो, हाँ ऐसा करो। तो ये पापा के भी थे तभी यहाँ पे यूज़ करने के लिए सब रेडियो वीडियो थे, उनके कपड़े जितने भी पहनते थे सारी बंडी है, पापा जो पहनते थे उसको बंडी कहते हैं, ये सारी यूज़ की बंडी है, ऐसे रखे प्रसाद के लिए। और ये मेन गांधी मंदिर है, गांधी मंदिर के लेफ्ट साइड आप आओगे तो यहाँ पे पापा की समाधि है, अभी पापा एक्सपायर हुआ था तभी, उसके बाद उनकी समाधि यहाँ पे हुई थी। हमारे दर्शन हो गए हैं, हमने पूजा में जो प्रसाद पूजा करने बाद ये प्रसाद मिलता है उधर, दर्शन के बाद प्रसाद हमने लिया नहीं है। चाय का टाइम कुछ 11:30 के बाद बंद रहता है, 11:30 से 3 तक बंद रहता है, चाय भी नहीं मिला। अब अभी निकल रहे यहाँ से पार्किंग की तरफ, आग नहीं खुल रही इतनी धूप है। ये मंदिर का मेन गेट है, अब चलेंगे पार्किंग की तरफ, यहाँ से अब देखो सहारनपुर जाने का फोटो वोटो निकाले, फोटो ये सारी फोटो आगे इंस्टाग्राम पे जाके एलसी ट्रैवल्स को फॉलो करो सारी ट्रैवल अपडेट के लिए।